कहना चाहूंगा कि एक तो आपने वो बोल ही दिया कि भाई पढ़ के आओ, ट्रेनिंग लेके आओ, मतलब एक तो ये है कि इट्स नॉट अ इजी सब्जेक्ट, इट्स अ डिफिकल्ट क्राफ्ट। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये जो कुछ लोग फंडे देते हैं कि ये चीज इनबॉर्न होती है, जिसके अंदर होती है उसके अंदर होती है, जिसके अंदर नहीं होती है उसके अंदर नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप चाहते हैं, आपका पैशन है, आप ट्रेनिंग से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और किसी भी और क्राफ्ट की तरह है, नंबर एक। और नंबर दो के इससे जो ग्लैमर इन्वॉल्व है, उस ग्लैमर को अपने सर पे ना चढ़ने दें कभी। इट इज लाइक एन अनदर जॉब। जैसे कि मैं बोलता हूं कि जैसे एक मेरा ड्राइवर ड्राइविंग करता है और वो अपना घर की रोजी रोटी कमाता है, एक कारपेंटर अपना कारपेंटरी करता है, ऐसे ही एक्टर भी अपना काम करता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है। वो इसलिए एक्टिंग में आया है कि उसको वो उसको अच्छा लगता है। इफ यू एंजॉय योर जॉब, तो आपका जो प्रोफेशन, अगर आपकी हॉबी अगर आपकी प्रोफेशन बन जाए तो आप कभी आपको ऐसे लगेगा ही नहीं काम कर रहे हैं। और इसका प्रोफेशन का एक पार्ट है कि आप दिखाई देते हैं और ग्लैमर इन्वॉल्व होता है, इसलिए आपको लोग रास्ते में रोकते हैं या आपको पहचानते हैं। उसको अपने सर पे मत चढ़ने दें, उसको अपने सर पे मत चढ़ने दें, क्योंकि वो टेम्परेरी है। क्योंकि अगर आपका एक काम चल रहा है, आप पहचाने जा रहे हैं और आप अगर उसको अपने सर पे चढ़ा लेंगे, और अगर आपके पास अगर एक साल का ऐसा वक्फा हुआ, क्योंकि हमारे फील्ड की नेचर है ये ऐसा नहीं है कि एक सरकारी नौकरी लग गई है तो अब यह है कि बंद गई है तनख्वाह और रिटायर होने पे पेंशन भी मिल जाएगी। इसमें ऐसे फेजेस आते हैं कि आपका एक चलता है, फिर थोड़ी देर बाद स्टैग्नेंट पीरियड आता है कि आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल आता है, थोड़ा सा चलो, और फिर दोबारा से अगर आप अपने आप को करेंट है, तो आप अगर आप अपने सर पे चढ़ा लेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे उस लोड पीरियड में। और दूसरा, जब आपका टाइम चल रहा है और आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप जगह जगह रिबन भी काटने जा रहे हैं, उसके भी पैसे आ रहे हैं और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो उसको आप समझ के अपनी जरूरतों को लिमिटेड रखिए। जितनी ज्यादा फैलाएंगे बाद में उतनी ज्यादा परेशानी होगी आपको, तो एक बैलेंस बना के जरूरी रखना होता है। इसीलिए ये होता है कि जो नहीं आते हैं छोटे शहर से, आते ही जो है एक सीरियल मिल गया, एक सीरियल मिल गया तो एकदम चकाचौंध स्टार बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, खटाखट जो है 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया ईएमआई पे, वो गाड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली ईएमआई पे। अब वो चैनल ने 2 साल के अंदर चलते हुए कट करके बंद कर दिया, तो वो सारे रिबन कटने बंद हो गए, लोगों को पहचानना कम हो गया। अब अगला प्रोजेक्ट आने में 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, नए प्रोजेक्ट में आपको कास्टिंग कब होगी वो आने में टाइम लगा है। अब आपने इतनी जरूरतें बढ़ा ली हैं, इतने आपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, तो और इतना आपने अपने सर पे चढ़ा लिया है वो ग्लैमर के, वो आपसे हैंडल नहीं होता, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, और फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं तो फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसको ऐसे लें, इट्स लाइक अनदर जॉब। ठीक है कि हम दिखाई देते हैं, इसमें ग्लैमर नॉट है इसलिए लोग देखते हैं, एंड इट्स ऑल टेम्पररी, ये आएगा जाएगा, सर पे मत चढ़ाइए, अपना काम सिंसियरली करते रहिए, तो आप लंबे टाइम तक सरवाइव करेंगे, खुश रहेंगे और मजे करेंगे। जब ज्यादा आएगा तो आप दिमाग से ज्यादा चढ़ेंगे नहीं, जब थोड़ा लो आएगा तो आपको घबराहट नहीं होगी, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए।